Good morning, children. Children, today I will teach you use of these and those. These and those are words. These is used to indicate things which are near. These हम उस चीज के लिए यूज करते हैं जो सामान हमारे लिए नजदीक होता है. जो चीज हमारे लिए नजदीक होता है उसके लिए हम दीज का यूज करते हैं. दीज दिस का प्लुरल होता है, दिस मींस होता है यह. लेकिन जो चीज नजदीक होता है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं. ठीक इसी तरह दीज हम उस चीज के लिए करते हैं जो चीज हमारे लिए नजदीक होता है. और दोज इज यूज फॉर थिंग्स दैट आर फार. और दोज का यूज हम उस चीज के लिए करते हैं जो चीज हमारे लिए दूर रहता है. दोज दैट का प्लुरल होता है. तो हम आज उसके बारे में समझेंगे यूज ऑफ दीज एंड दोज. दीज और दोज का यूज हम किस प्रकार करते हैं. तो एक हम समझ ही गए हैं कि दीज का यूज हम नजदीक के चीजों के लिए करते हैं और दोज का यूज हम दूर के चीजों के लिए करते हैं. तो लेट्स नो अबाउट इट इन सेंटेंस. दीज आर आपके बुक में कुछ चित्र दिए हुए हैं और कुछ सेंटेंस भी हैं जिसे हमें पढ़ना है और आपको समझ बताना है. दीज आर चेयर्स. यहाँ नजदीक में बहुत सारे चेयर्स हैं. दीज आर चेयर्स. ये सब कुर्सियां हैं. तो ये नजदीक में है कुर्सी, इसीलिए यहाँ हम दीज का यूज किए हैं. अब दो चार टेबल्स, टेबल दूर में है इसीलिए हम यहाँ दो का यूज किए हैं. Those are tables. Children, these are those plural है. इसीलिए हम इसे भी plural form में ही लिखते हैं. Chairs को chairs और table को tables. जब भी हम use करेंगे these और those को तो आर लगाएंगे और इसे भी हम plural ही रखेंगे. तो these are bags. These are बैग्स. बैग नजदीक है तो इसके लिए हम दीज का यूज किए हैं. उसके साथ आर लगाए हैं और बैग में भी नॉन में भी एच लगाए हैं. तो इस तरह हम दीज और दोज के साथ हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही दीज और दोज का यूज करते हैं. दोज आर बॉल्स. दोज आर बॉल्स. ये सब बॉल दूर में है इसीलिए हम यहाँ दोज का यूज किए हैं और बॉल में भी एस लगाए हैं. दीज आर एप्पल्स. ये सब सेबे हैं. तो यहाँ सेब बहुत सारा है इसलिए ये भी पुलर और दीज भी पुलर ही होता है. तो दिस का पुलर. अब दोज आर ट्रीज. दोज आर ट्रीज. पेड़ बहुत मोटे हैं इसीलिए यहाँ दोज का यूज हुआ है. दीज आर पेंस. दीज आर पेंस. तो पेन नजदीक में है इसलिए यहाँ दीज का यूज हुआ है. दोज आर बुक्स. दोज का यूज किस प्रकार होता है. ये हमेशा प्लुरल में ही यूज होता है. दीज और दोज का यूज, दीज का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हमारे नजदीक होता है और दोज का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज हमसे दूर होता है. तो आप कुछ क्या वर्कशीट है आपके बुक में, इसमें फिलिंग द ब्लैंक में दीज और दोज. दीज और दोज लगा के हमें इसे भरना है. तो हम ये समझते हैं जब सामान मुझे नजदीक होगा. तो यहाँ है पढ़ना में डैश आर सॉक्स. सॉक्स नजदीक है इसलिए यहाँ हम दीज का यूज करते हैं. आर कप्स.
कब दूर है इसलिए हम डोज का यूज करेंगे। डोज आर कप्स आर कैट्स आर काइट्स। काइट नजदीक में है इसलिए हम बीज लगाएंगे दीज आर काइट्स। और बर्ड बहुत दूर है तो आर बर्ड्स, तो वहां हम डोज लगाएंगे। इस तरह हम बीज और डोज का यूज करेंगे। आर एप्पल्स एप्पल नजदीक है इसलिए यहां हम बीज लगाएंगे। और बॉल्स आर बॉल्स, बॉल दूर है इसलिए यहां हम डोज लगाएंगे। आर ट्वाइल, ट्वाइल नजदीक है यहां इसलिए हम बीज लगाएंगे। और आर फ्रूट्स, फ्रूट दूर है इसलिए यहां हम दूध लगाएंगे। आर टेबल्स, टेबल नजदीक में है इसलिए यहां हम बीज लगाएंगे। और सूज दूर में है तो उसके हिसाब हम दूध लगाएंगे। तो इस तरह बच्चों आज हमने बीज और डोज का यूज समझा। बीज और डोज हमेशा बुलर फॉर्म में ही यूज होता है। तो टुडे अप टू हेयर वॉलेंटियर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।